अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर फौजिया एंड फूड कॉर्नर। आज है रमज़ान का दूसरा दिन और अभी होने वाला है इफ्तारी का टाइम। उसके लिए मैं बना रही हूँ मसाले आलू का भरता। इसके लिए मैंने अपना सारा सामान पहले से ही रेडी कर चुकी हूँ। एक फ्राई पैन में मैं तेल ले लूँगी और इसमें डाल लूँगी राई। और डाल लूँगी कड़ी पत्ता। टमाटर, कांदा और मिर्ची को मैंने पहले से ही काट के रखी थी। अभी मैं इसमें डाल लूँगी अपने बारीक कटे हुए प्याज। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे और डाल लेंगे इसमें हरी मिर्ची। इसे चला लेंगे और पकने देंगे। अभी हम डाल लेंगे इसमें टमाटर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अभी मैं इसमें डाल लूँगी नमक और डाल लेंगे हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। और डाल लेंगे थोड़ा सा धनिया का पाउडर। ये तीनों चीज़ें डाल के इसे हम फिर से अच्छे से चला लेंगे और पका लेंगे। मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी इसमें मैं डाल लूँगी अपने उबले हुए बटाटे। बटाटे मैंने पहले से ही बॉईल करके रख ली थी और छील के भी रख ली थी। बटाटे को मैं फोल्ड कर डालूंगी। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा ये मसाला भरता रेडी हो जाएगा पककर। नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे की भजिए की। भरता हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैं डाल लूँगी बस ये बारीक कटा हुआ कप में और ये बनकर गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है। अभी हम बना लेंगे अंडे की भजिया। अंडे को मैंने उबाल के ऐसे काट ली थी और अभी मैं इसका बेसन का पेस्ट मिला लूँगी। मैंने ले ली हूँ बेसन और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लूँगी। बेसन का हमें एकदम पतला कर देना है। अभी मैं इसमें डाल लूँगी नमक और डाल लूँगी लाल मिर्ची पाउडर। दोनों चीज़ें डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से एक बार इसे फेंट लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रखना है पेस्ट को। अभी मैं इसमें डाल लूँगी कोथमीर बारीक कटा हुआ और रख दूंगी एक फ्राई पैन में तेल और उसमें हम अपने भजिए तल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें एक एक करके अपने अंडे को छोड़ देंगे बेसन में डुबा के। इसी तरीके से मैं सारी भजियों को तेल में तल लूंगी। एक साइड से पकने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अंडे की भजिया को हमें थोड़ा सा
अलर्ट रहकर तलना पड़ता है क्योंकि ये बार बार फूटती भी है तेल में। तो आप ज़रा ध्यान से फ्राई करें। देखिए भजिया भी हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे निकाल लेंगे ट्रे में। भजिया बनकर रेडी हो चुकी है और भरता भी तैयार है। अभी कर लेंगे फ्रूट्स की कटिंग और चटनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अफ्तारी का टाइम हो गया है, दस्तरखान बिछा दिए हैं और सब बच्चे भी आ चुके हैं। अभी हम कर लेंगे अफ्तारी। पहले हम सब कर लेंगे दुआ। आपको अगर हमारी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा ब्लॉग अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो के साथ।